नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट LDC परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जिन जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट LDC की परीक्षा दी थी उनका जो सभी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों रिजल्ट की PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे अपना जो रिजल्ट चेक करना है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप ही के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि LDC परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है और आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो हुआ या नहीं हुआ। तो उसकी PDF के अंदर ही सर्च का ऑप्शन आता है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट PDF के ऊपर और मैं ये भी बताऊँगा बाद में कि वो PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर और आज की ये अपडेट है, अभी जो रिजल्ट है इसका जारी कर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोल नंबर है वो LDC परीक्षा के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों आपका नाम आया है या नहीं आया है तो कैसे आपको चेक करना है, आपके रोल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड या PDF के यहाँ पर बगल में सर्च का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यदि यहाँ पर आप सर्च करोगे कोई भी रोल नंबर, यदि आपका रोल नंबर आप सर्च करोगे तो इस PDF के अंदर ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा। जैसा कि मैं दोस्तों आपको डेमो के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो रोल नंबर है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं एक जो रोल नंबर है उसको सर्च करके आपको बता देता हूँ इस PDF में से, तो आपको देखना है कि किस प्रकार से वो सर्च करेगा। तो देखिए दोस्तों मैं सर्च करके आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे रोल नंबर डालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है जो शो हो जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो रोल नंबर है वो बता दिए जाएंगे। तो आपको सर्च करना है सर्च बॉक्स पे, और यदि रोल नंबर आपके यहाँ पर सर्च हो जाते हैं इसका मतलब आपने जो पेपर है वो पास कर लिया है। तो इस प्रकार से जो आप है अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बात आई नंबरों की कि आपके पेपर के अंदर नंबर कितने आए हैं, तो वो आपके SSO ID के ऊपर आज से 5 या 6 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली अपलोड कर दिए जाएंगे। फिलहाल उन विद्यार्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जिनका जो सिलेक्शन है वो हो गया है, उन्हीं के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं और जो नंबर है परीक्षा के कितने आए हैं वो आपको SSO ID के ऊपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।